सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके अपना तीसरा व्लॉग, यानी कि व्लॉग नंबर 3। मैं इसे व्लॉग का नाम ही दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, एक्चुअल में ये व्लॉग आज नहीं आना था। आज आना था मेरा व्लॉग जिसके अंदर हम बात करने वाले थे ग्रूमिंग के बारे में, और मुझे करानी थी अपनी ग्रूमिंग, अपनी बियर्ड की, सब कुछ। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम, वो टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि पूरा दिन ही फुद्दू निकला। मतलब सो के उठा, पहले रेंडर में दिक्कत, फिर जब रेंडर देखा, रेंडर देखने के बाद पता चला कि जो ऑडियो सिंक है, आप सेकंड व्लॉग में अगर देखोगे, मेरे लिप्स पहले जल रहे हैं फिर आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ और लिप सिंक है ना, वो ख़राब हो रखा था, तो वो सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। तो मैं जो आज व्लॉग आना था उसे मैंने एडिट करा, जब एडिट करके वो सामने आया उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, एंड मैं वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। दोपहर के 4 बज गए हैं, बट कोई सोल्यूशन अभी तक निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा। लेकिन आज मैं बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा। लेकिन एक वादा मेरा पक्का है कि मैं आऊँगा रोज़, और जो हमारी ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग इज़ शिफ्टेड टू थर्सडे, मैंने बात करी है, और थर्सडे को हमारी जो ग्रूमिंग है हो जाएगी। पूरा दिन ख़राब जा रहा था गाइस, लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में आपसे मेरे को आज बात करनी है। वो बात ये थी कि आज इंद्रजीत निक्कू बाजी ने मेरी रिएक्शन चैनल के ऊपर आके कमेंट किया, उनका नया गाना आया मेहरबानी, जाके सुनना, बहुत प्यारा गाना है। उन्होंने मेरी वीडियो के ऊपर जाके कमेंट किया, उन्होंने बोला कि राहुल थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, और ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया साइड पे, आप लोग देख सकते हो। मैं अपने स्टूडियो में उस टाइम, और एक बार उसी स्टाइल में आप लोगों से बोल देता हूँ। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं अपनी 20 व्लॉग्स वाली फैमिली को हमेशा बोला करूँगा, कैसे हो मेरे 20 लोग। तो गाइज, आज के बाद हम आपस में ना तो गाइज बोलेंगे, ना मेरा यूट्यूब फॉलोअर बोलेंगे, ना सब्सक्राइबर बोलेंगे, हम बोलेंगे कैसे हो मेरे 20 लोग। या अगर कोई और बेटर सजेशन हो तो मेरे को ज़रूर बताना। तो बीस्ट, आप मेरे को यह बताओ कि हम आपके लिए और क्या क्या लेकर आए हैं, आप कंटेंट बताओ, मैं बनाऊँगा। लेकिन एक और खुशखबरी है, आई हैव गॉटन होल्ड विद माई ओल्ड DOP। तो दो खुशखबरियाँ हैं, लेकिन एक बुरी खबर है कि आज का जो एक्चुअल ब्लॉग आना चाहिए था वो नहीं आया, वो अब हम कंटिन्यू करेंगे कल से। तो कोशिश करूँगा कि मैं कल डाल दूँ, अगर कल नहीं आता तो मैं एक वीडियो ऐसी ज़रूर लेके आऊँगा, व्हाट इज़ द अपडेट, क्योंकि वीडियो हमारे चैनल पे हर रोज़ आएगी। आई विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच वन ऑफ यू। हाँ, लेकिन ये आइडिया मुझे बाद में आया कि मैं इस फॉर्मेट में वीडियो बना सकता हूँ। जनरली मैं इस फॉर्मेट में रिएक्शन करता हूँ अपने रिएक्शन चैनल पर, और मेन चैनल पर मैं लाइव करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये फॉर्मेट में एक वीडियो ज़रूर डाल सकता हूँ मैं इस चैनल पर, तो क्योंकि सिंक नहीं तोड़ना है, मेरे को रोज़ एक वीडियो डालनी ही डालनी है, वो मेरा व्लॉग हो या आपके साथ कोई छोटा सा इंटरेक्शन हो। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, मैं लगा ज़रूर रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और ना आज मेरे कमेंट्स में एक कमेंट आया था कि डोंट वरी, इट्स अ हार्ड टाइम, स्ट्रगल है ये चल रही जो चल रही है। ठीक है यार, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होती है, पर एक वादा करता हूँ, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है मेरी, मैं किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो मैं पड़ जाता हूँ। अब मैं YouTube के पीछे पड़ गया, अब चाहे कोई पीछे पड़ने वाली बात पे नीचे कमेंट करके लिख देना, कुत्ते, ठीक है। तो ऐसा है यार, अब मैं बात करूँ अगर इंद्रजीत निक्कू भाजी की, निक्कू भाजी की इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। मैं उनका फ़ैन इतना बड़ा क्यों हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारे लुधियाना में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको लोग मानते हैं, जानते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था या अपने स्कूल में था, अगर किसी बड़े स्टार का नाम जैजी बी के बाद पंजाब में मैंने सुना था, तो इट वॉज़ इंद्रजीत निक्कू, ठीक है। लेकिन लुधियाना से था तो मेरे लिए वो जैजी बी से ऊपर, सलमान खान से ऊपर, शायद सबसे ऊपर, क्योंकि मेरे होम टाउन से कोई स्टार पहली बार मैंने देखा। तो इसलिए इंद्रजीत निक्कू भाजी मेरे लिए एक अलग ही लेवल पे इंस्पिरेशन है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। और उन्होंने हमारे आज चैनल पे आके कमेंट कर दिया, तो यार रोंगटे तो वैसे ही खड़े हो गए। उनकी वीडियो देख के मैं इमोशनल हो गया, मैं रो पड़ा उस वीडियो में। अगर देखना चाहो तो ज़रूर देखना, रिएक्शन बाय आरजी पे जाके, मेहरबानी गाना आया है, बहुत प्यारा गाना है, जाके देखना। परमीश भाई ने गाना
बनाया है और मतलब आई एम लिटरली हैप्पी। शायद उसमें मुझसे एक दो गलतियां हो गई, मैंने गलती से गोल्डी सत्य का नाम ले दिया जो जिन्होंने गाना लिखा, क्योंकि मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं परमीश भाई गोल्डे सत्य से गाना करवाते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा खुश हूँ मैं, लेकिन दुखी इस बात पे हूँ कि जो ब्लॉग मैं आपके लिए लाना चाहता था आज नहीं ला पाया, सॉरी फॉर दैट, पर बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। और अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट तो आप कर ही दोगे अगर आपको अच्छा लगे, अगर बुरा लगेगा तो भी बोल दोगे। अगर मैं किसी को मोटा लिखूँगा तो बोल दूँगा तो लगूँगा तो वो बोल भी देगा, तो ऐसा ही सीन है ना यार। मैं वन टेक में काम करने वाला आदमी हूँ, ये फंबल वंबल हो जाते हैं मुझसे, ठीक है। तो मिलेंगे, कल लेके आऊँगा अपनी अगली वीडियो, चाहे मैं जैसे मर्जी लेके आऊँ लेकिन वीडियो पक्का आएगी, ठीक है। तो गाइज व्लॉग नहीं टूटेगा, व्लॉग आता रहेगा, ये व्लॉग नंबर 3 है। डिप्रेस्ड था लेकिन खुश हो गया। एंड देखा लाइफ में ना, अगर सिर्फ आप बुरा बुरा ही सोचते जाओगे तो बुरा बुरा ही होता जाएगा। एक बार ये सोचना ज़रूर कि हाँ मुझे अच्छा भी करना है, मुझे काम नहीं रोकना है यार, सारी चीज़ें साइड पे हो जाएंगी। यू विल बी हैविंग अ ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। आपका जो सक्सेस लेवल होगा वो अलग लेवल का होगा। पता है मेरे को इतना पता है कि आई एम सो डिटर्मिंड एंड सो मोटिवेटेड दैट आई कैन डू एनीथिंग एट एनी मोमेंट। मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता इस चीज़ को लेके, लगा रहूँगा मैं। और आप भी लगे रहो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बाकी की वीडियोस देखो जाके चैनल पे, बड़ा मज़ा आएगा। जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए आज से ही मैसेज है, जो 1,00,000 फॉलोअर पूरे होने के बाद देख रहे हैं ना उनके लिए आज भी एक मैसेज है मेरा। अगर आपने 1,00,000 फॉलोअर पूरे होने के बाद चैनल को किया है सब्सक्राइब, तो भैया आपने बहुत सारे गिव अवेज मिस कर दिए। ओह मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने गिव अवे अनाउंस कर दिया, क्या बात कर रहे हो यार। तो हाँ गाइज, ये ज़रूर है कि जब हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते जाएंगे, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर्स, 500 सब्सक्राइबर्स, 500 बोल दिया तो 500 भी, 5,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स, 25,000, तो हर एक प्लेटफॉर्म अचीव करने के बाद, हर एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद कुछ ना कुछ गिव अवे में ज़रूर आएगा। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।